मौज बना हिट हो जा। इंडियाज़ गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लवी चौधरी और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। तो बात करते हैं बॉलीवुड के एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की। बॉलीवुड के स्टार एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। हमारी ये रिपोर्ट भी उन्हीं से जुड़ी है। दरअसल बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसकी वजह से बॉलीवुड में कुछ अफवाहें उड़ने लगी हैं। आपको बता दें कि सिद्धार्थ ने बॉलीवुड में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से की थी। जब से सिद्धार्थ ने अपना करियर शुरू किया, उनका सारा मैनेजमेंट का काम मैट्रिक्स एंटरटेनमेंट देख रहा था। लेकिन हाल ही में सिद्धार्थ ने एजेंसी का साथ छोड़कर खुद ही अपने काम को संभालने का फैसला लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिद्धार्थ इस कंपनी के साथ 9 साल तक जुड़े रहे थे। एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी पहली फिल्म की शुरुआत धर्मा से की थी। सिद्धार्थ मल्होत्रा की पिछली सुपरहिट फिल्म शेरशाह, जिससे उन्हें एक नई पहचान मिली, वो भी धर्मा प्रोडक्शन ने ही बनाई थी। इसी बात के चलते माना गया था कि सिद्धार्थ अब करण जौहर की धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब ये खबर महज एक अफवाह ही साबित हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ अब किसी एजेंसी के जरिए नहीं बल्कि खुद से ही अपना सारा काम मैनेज करेंगे। सिद्धार्थ अपनी भरोसेमंद करीबी टीम के साथ खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे, वो इसे किसी को नहीं सौंपेंगे और खुद ऑपरेट करेंगे। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अभी कोई कंपनी नहीं बनाई है और ना ही वो करण जौहर की धर्मा कॉर्नरस्टोन एजेंसी से जुड़ने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सिद्धार्थ अपनी अगली फिल्म मिशन मजनू में रश्मिका मंदाना के साथ बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं।